ऐसा माना जाता है सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं तो जो किरणें आती हैं वो दूषित हो जाती हैं। तक काल में प्रमुख तीन चीज़ें वर्जित होती हैं, स्पर्श, देव स्पर्श को नहीं किया जाता, और भोजन, भोजन जलपान ये सब कुछ भी नहीं ले सकता आदमी। ग्रहण में सबसे बड़ी चीज़ होती है दान, ग्रहण में दिया गया दान वो अपने आप में महापुण्य को देने वाला होता है। यह ग्रहण भारत में इसका जो है स्पर्श, मध्य एवं मोक्ष तीनों दिखाई देगा। ग्रहण का जो प्रारंभ होगा 28 की रात्रि 1:05 पर प्रारंभ होगा, 1:44 पर ग्रहण का स्पर्श काल होगा, मध्यकाल होगा, तथा 2:24 पर ग्रहण का मोक्ष काल होगा। साथ ही पूर्णिमा तिथि भी जो होगी 2:01 पर समाप्त हो जाएगी। और सब कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रहण का स्पर्श, मध्य और मोक्ष तीनों जो है हमारे यहाँ भारत में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल भी लगता है, सूतक काल कितने बजे से लगेगा और चंद्र ग्रहण में कितने बजे लगता है, सूर्य ग्रहण कितने? जी बिल्कुल, सूर्य ग्रह तु नासनीयात पूर्वम याम चतुष्टयम, चंद्र ग्रह तु यामस्मिन् बाल वृद्धा तु रैर्विना। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटा पहले सूतक काल लगता है, और चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटा पूर्व जो है सूतक काल लगता है। तो 1:05 पे 28 की मध्य रात्रि के बाद ग्रहण लग रहा है तो 28 की सायंकाल में 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा जो ग्रहण के मोक्ष काल तक रहेगा। क्या करते हैं सूतक काल में, क्या होता है? देखिए, कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है कि चूँकि ग्रहण जब लगता है तो जो रोशनी आती है, ग्रहण को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को पाप एवं क्रूर ग्रह माना गया है, जिसकी जिसका जो किरणें हैं वो ठीक नहीं होती, ऐसा माना जाता है सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं तो जो किरणें आती हैं वो दूषित हो जाती हैं, इसके चलते जो है उससे जो है रश्मियाँ जो आती हैं वो धरती पर वातावरण को प्रदूषित कर देती हैं। उससे बचने के लिए जो हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में सूतक काल कहा गया, सूतक काल में प्रमुख तीन चीज़ें वर्जित होती हैं, स्पर्श, देव स्पर्श को नहीं किया जाता, और भोजन, भोजन जलपान ये सब कुछ भी नहीं ले सकता आदमी, बाल वृद्ध रोगी को छोड़ के बकाया लोगों को भोजन और मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। ग्रहण काल में क्या ग्रहण काल में देखें, ग्रहण काल में तंत्र की साधना और जो है दान, ग्रहण में सबसे बड़ी चीज़ होती है दान, ग्रहण में दिया गया दान वो अपने आप में महापुण्य को देने वाला होता है। तो अगर ग्रहण काल में हर राशि, 12 राशियाँ हैं, राशिवार अगर दान किया जाए तो अपना अपना अलग अलग फल होता है, तो निश्चित रूप में लोगों को ग्रहण में दान करना चाहिए।